हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आपके लिए लेकर के आई हूँ खास स्पेशल जीरा आलू की। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं जीरा आलू बनाना बताऊँगी आपको। और मैंने फ्रेंड्स ये मैंने मीडियम साइज़ के बॉयल आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था और इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स मैंने आधे घंटे के लिए। चलिए मैं आलूओं को कट कर लेती हूँ। आलूओं को कुछ ऐसे साइज़ में कट करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा ऐसे कट नहीं करना है, मीडियम साइज़ कट कर लेना है। फ्रेंड्स, आलूओं को अच्छे से गला लेना है बॉयल करते टाइम पे। आप देख सकते हो मेरे आलू बहुत अच्छे से बॉयल हुए हैं। अब इन्हें ऐसे ही कट कर लेना है। मैं सारे कट कर लेती हूँ आलूओं को। फ्रेंड्स, आप जब मेरे स्टाइल से जीरा आलू बनाओगे तो आपके आलू बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे फ्रेंड्स। ये इफ्तारी में बहुत ही अच्छे लगेंगे, चटपटे। चलिए मैं सारे आलूओं को ऐसे ही कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुकिंग वीडियोस मैं लाती रहती हूँ आपके लिए और यूज़फुल भी है फ्रेंड्स, और आपको भी बढ़िया बनानी आएगी रेसिपी। मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। जो मैं बनाती हूँ वही मैं आपको सिखाती हूँ। मेरा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना। फ्रेंड्स, आप मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा इस आलू की रेसिपी, जीरा आलू की। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे आलूओं को कट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो ऐसी साइज़ में कट करना है फ्रेंड्स, मीडियम साइज़ में। और फ्रेंड्स, मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं जीरा आलू के लिए स्पेशल, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, मैंने खड़े धनिए लिए हैं एक चम्मच और एक चम्मच जीरा लिया है। इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेते हैं फ्रेंड्स। जी, मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें डाल लेंगे और इसका बारीक बनाकर पाउडर तैयार कर लेंगे। चलिए पीस लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैंने मसाला बना के तैयार कर लिया है, जीरा और खड़े धनिए पीस लिए हैं फ्रेंड्स। इसमें मसाला ये वाला ज़्यादा ही जाता है, आप ज़्यादा ही कोशिश कीजिए डालने की जीरा आलू के लिए। चलिए जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करते हैं जीरा आलू। सो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है एक पैन। चलिए गैस को कर लेते हैं ऑन। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दूँगी। अब इसे गर्म होने देते हैं ऑयल को। और फ्रेंड्स, एक से दो चम्मच खाने की घी ले लेना है। घी, ऑयल और घी का फ्लेवर फ्रेंड्स मिलके बहुत ही अच्छा आता है जीरा आलू में। फ्रेंड्स, मैं इसमें बहुत थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ साबित, हल्का सा चटकने देंगे फ्रेंड्स ऑयल में। सो फ्रेंड्स, जीरा गर्म हो गया है। अब इसमें हम जो मसाला बनाया था हमने वो डाल देते हैं। अभी आधा डालेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या देख सकते हो आप, बबल्स आ रहे हैं इसमें। ये रीज़न इसलिए है फ्रेंड्स, इसमें हमने घी डाला है फ्रेंड्स। घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। अच्छे से कोट कर लेना है मसाले को आलू के साथ में, और इस तरीके से कीजिएगा फ्रेंड्स। पैन को उठा के इसको चलाइएगा नहीं, ताकि आलू कट जाएंगे इससे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं किस तरीके से हिला रही हूँ, ऐसे ही आलूओं को हिलाना है आपको भी। अब फ्रेंड्स, हम इसमें बाकी का बचा हुआ ही मसाला डाल देंगे, और एक चम्मच स्वाद अनुसार नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर। फ्रेंड, हम सारे मसालों को अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। अब ये रेडी है बनकर, गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ। इसे फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट लगती हैं पकने में, ज़्यादा समय नहीं लगता है, झटपट बन जाते हैं फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। मैं इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर दूंगी, ताकि मसाले अच्छे से आलू के साथ कोट हो जाएं। पानी को ही मिक्स कर लेते हैं अच्छे से फ्रेंड्स। अब इसको रख देंगे ढक्कन की 5 मिनट के लिए दम पे। एक दफ़ा आप गैस को ऑन करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्रेंड्स चालू कर दीजिएगा, फिर बंद कर दीजिएगा गैस की फ्लेम को। चलिए मैं ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने
इनको कवर करके रख दिया था। आलू बनके तैयार हैं, चलिए हम सर्व कर लेते हैं इनको। फ्रेंड्स थोड़ा सा धनिया पत्ता हम इसी में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं सर्व कर लेती हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हो आप कितने यम्मी लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। फ्रेंड्स खाने में उतने 10 गुना ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स ज़रूर बनाइएगा आप। तो फ्रेंड्स मैं धनिया पत्ता और ऐड कर लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक। वाओ फ्रेंड्स ये लुक लाइक दिस। फ्रेंड्स आई लव दिस जीरा आलू, आप ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स मैं ऐसे ही कुकिंग वीडियोस लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। और कितने टेस्टी यम्मी लग रहे हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हो। फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मैं ऐसे ही कुकिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा अपना फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आपने ट्राई किया क्या नहीं, और ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स।